नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं चूड़ियों के शहर यानी फिरोजाबाद में। तमाम जनता या कह सकते हैं पार्टियों के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, तम और जो राजनीतिक पार्टियां यहां पर उनके नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के नगर अध्यक्ष मौजूद हैं, आपके विधायक यहां पर हैं। क्या आप 5 काम ऐसे गिनाएंगे जो यहां की जनता को मिले हों उनके कार्यकाल में? विधायक जी ने पेयजल व्यवस्था के लिए यहां पर अपनी विधायक निधि से तमाम समरों को जनता को उपलब्ध कराया, जो गली कूचों और मोहल्लों में लगी हुई है, आप जनता के बीच में जाकर उसका सर्वे कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने पेयजल के लिए 4 टंकियां शासन से मंजूर कराई जिसका पैसा स्वीकृत है, जो आज निर्माणाधीन अवस्था में है, ये पेयजल का है। बाईपास रोड के लिए वो पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने पूरे भागीरथी प्रयास किए केंद्र सरकार का, जिसमें सहयोग मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं, क्या आपकी सरकार की वजह से यहाँ की जनता को कुछ फायदा मिला है? पेयजल समस्या की 2 टंकी 4 टंकी विधायक निधि से बनवाने से कोई हल नहीं होता। माननीय अखिलेश यादव, माननीय प्रोफेसर रामगोपाल के प्रयासों से यहाँ जेड़ा झाल जो हजारों रुपया का प्रोजेक्ट है वो आ रही है, और मैं समझता हूँ 2016 खत्म आ रहा है कि काम शुरू चल रहा है। सर, अंतिम क्षणों में है कार्य, साल में केवल काम ही चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। सर, अंतिम क्षणों में है, इतनी बड़ी 5 साल भी तो सरकार भी तो अंतिम क्षणों में आ गई। इतनी जल्दी थोड़ी ये बन जाएगा। जहाँ तक पानी की योजनाओं का सवाल है, तो जब राज बब्बर जी यहाँ पर सांसद थे तब जेड़ा जाल योजना की शुरुआत की गई, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई, लेकिन जो स्थानीय सरकारें रही हैं उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया। जेड़ा जाल की जो परियोजना थी वो बीएसपी में लागू हुई थी जब बीएसपी की सरकार थी, तो जब बीएसपी की सरकार थी उससे पहले अजीम भाई यहाँ से जो विधायक थे उनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। आपके एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं दीप सिंह पाल, मैनपुरी के आते हैं, भोगांव से रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मैनपुरी के विधायक हैं राजू यादव, उनकी शहर पर उनकी समधन जो रिश्तेदार है उनकी जमीन कब्जा ली गई है, यानी कि मंत्रियों के रिश्तेदारों की भी जमीन कब्जा जा रही है। कब तक आप इनको नकारोगे? एक्चुअली आप जो बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने हमारे राज्य मंत्री हैं, उन्होंने राज्य मंत्री ने जो लिखित में शिकायत दी है, तो हमारा जो ऊपर नेतृत्व बैठा हुआ है ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। देखिए साहब, बीजेपी और बसपा और सपा ये तीनों जनता को बनाने का काम करते हैं, आज तारीख तक कोई काम नहीं। साढ़े 4 साल में आज तक युवाओं के लिए आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जो जिससे में कोई युवाओं को रोजगारी कहीं बात की गई हो। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग कितना झूठ बोलने वाले लोग हैं। जेड़ा झाल में ये लोग पानी दे नहीं पाए, लखनऊ एक्सप्रेस वे हमको बनाकर दे नहीं पाए, यहाँ तक ये मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं। एक जो ट्रामा सेंटर है सरकारी, उसमें एक सीट सीटी और एमआरआई मशीन ये लोग नहीं दे पाए। जो मुलायम सिंह ने वायदा किया था 1000 विद्यालयों को ग्रांट अनुदान दिया था, उसमें जो है पेंशन भी दी। आजकल रिटायर हो गए टीचर, वो पेंशन के लिए उनको आप टीचर है? मैं टीचर हूँ, रिटायर हो गए हूँ। और क्या कहते हैं, भटक रहे हैं वो पेंशन के लिए, पेंशन नहीं दे रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं दे रहे हैं। टीचर वहाँ पर हैं, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। बीएसए सचिव सब उनको इस उम्र में चक्कर लगा। सवाल एक समस्या नहीं है हमारे लिए, तो एक एक समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है ना। समस्या बहुत सारी है। अगर उनका हुआ है, यानी आप मान रहे हो कि आपकी सरकार में समस्या बहुत सारी है? नहीं, हमारी सरकार में क्या, हर एक घर में समस्या होती है। लेकिन आम आदमी को राहत तो मिल सकती है ना, अधिकारियों को समझाया जा सकता है, उनको कसा जा सकता है। अरे हमारे अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक बार सुन लें आप मेरी बात को। अरे सुनो मेरे अधिकारी बहुत अच्छा, अरे पेंशन मिल रही है सबको, करोड़ों रुपया आया है विकास के लिए, लेकिन सबका बंदरवाट हुआ है। और जनता के बीच में आप कहीं भी चलिए, अगर विकास के नाम पर एक ईंट लगी हो तो इनके मुंह पर जनता थूक देगी। और जो भी जो विकास हुआ है वो विधायक ने कराया है। क्या लगता है काम हुए महिलाओं की दृष्टि से यहाँ पर इस शहर में? महिलाओं के लिए तो मैं ये कहूंगी कि 2 जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, मुखिया जो होते हैं किसी भी पार्टी के, लेकिन वो गैर जिम्मेदार जो बयान देते हैं तो जो महिलाओं को बड़ा दुख होता है इसको लेकर कि वो मान सम्मान कहाँ प्राप्त करें। जब मुखिया ही अगर इस तरह के बयान देगा तो महिलाएं कहाँ जाएंगी सुरक्षा के लिए? जेड़ा झाल परियोजना 5 साल से चल रही है, लंबित है, चाहे कोई भी लाए हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो जो भी लेकर के आया वो देवतुल्य है। लेकिन यहाँ आ तो जाए पहले घरों में पानी आ ही नहीं रहा है। तनाव शनाव यहाँ टैक्स बना दिया गया, टैक्स को वसूली के लिए जो नगर निगम कर्मी गए उन्होंने हजारों लाखों रुपए बटोर लिए रिश्वत के नाम पे। कोई जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी जाकर के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, क्योंकि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। नेताजी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। केवल मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, जनता भी गलत बोल रही है? बहन क्या कह रही है स्वकर, वो इसके नगर निगम का जो वाटर टैक्स हाउस टैक्स, कई सारे टैक्स आप दे रहे होंगे ना, उसके अलावा ये स्वकर है ना। अरे मैं एक मिनट सर, एक मिनट ऐसा है, जनता को तो समय समय पर लोग
अच्छे लोभन देकर उनको गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन जनता को जब बाद में पश्चाताप हुआ कि हमने जो सरकार चुनी वो गलत थी, तो उसका आज रिजल्ट देख लीजिए आप। चारों तरफ जनता में हाहाकार मचा हुआ है, बहन जी को याद कर रहे हैं और 2017 की सरकार में बहन जी को पुनः लाने के लिए मतलब यानी जनता आकुर है। जनता को बरगलाकर वोट ले लेना, लैपटॉप बांट देने, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के भाई से, तो मोबाइल भी बांटने की बात कर रहे हैं, वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लैपटॉप बांट चुके हैं, क्या एक भी नौजवान के पास वो लैपटॉप दिखा सकते हैं? कवाले में फिर चुका उनका कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हर आदमी को लैपटॉप तो बांटा, मोबाइल भी देंगे, इनने 15 लाख की घोषणा की थी, कहे 15 लाख। सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लैपटॉप बांटने का केवल नाटक किया, लैपटॉप भी उन्हीं के लोगों को मिले, समाजवादी कार्यकर्ताओं को मिले, वो भी शायद बंद हो गए, वो भी बंद हो गए। अब मोबाइल जो 1,000 रुपए के आते हैं, वो मोबाइल देने का लालच दे के वोट लेना चाहते हैं, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहता हूं, हमें लैपटॉप और ये चीजें नहीं चाहिए, हम सब युवा लोग अपने आप में खड़े हो सकते हैं, हमें नौकरी की आवश्यकता है। इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र को लैपटॉप की नहीं रोजगार की जरूरत होती है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और छात्रवृत्ति, ये बच्चों को मुहैया नहीं करा सकते, ये क्या सरकार चलाएंगे, इनको इस्तीफा देना चाहिए। भैया जो 102-108 जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा लागू की गई है, जो कानपुर में एक बाप अपने मृत बच्चे को कंधे पर रखकर ले जा रहा है, उसके बारे में प्रदेश सरकार क्या बोलेगी? जो थानों में कितनी अराजकता फैली हुई है कि अगर मोबाइल चोरी भी हो जाए तो उसके भी 100 या 200 रुपए देने पड़ रहे हैं एफआई। आज सारी पेंशनें जो हिंदुओं को मिलती थी वो बंद कर दी गई, मुसलमानों को एक तरफा 3-3 पेंशन दी जा रही है, इसके पीछे हाँ प्रमाण के साथ है। फिरोजाबाद के अंदर जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं की असुरक्षा हो रही है, उसके संबंध में इन्होंने क्या किया? आज थाने दलालों के अड्डे बने हुए हैं। जो आप कानून व्यवस्था की कह रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये केवल और केवल ये विपक्ष का नाटक है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं सर, इसमें वो विपक्ष की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा। आंकड़े सरकारी आंकड़े हर सरकार में आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में ही इसमें तो भड़के आए हैं ना, 500 से 700 गुना। सर आंकड़े तो घटते बढ़ते रहते हैं, इतना ज्यादा बढ़ेगा? हम प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, फिरोजाबाद की बात। दाल 100 रुपए किलो ओपन मार्केट में बिक रही है, आज की रेट आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, 100 रुपए किलो। अगर आपको इसमें कोई संदेह हो तो 100 रुपए किलो दाल मिल रही है क्या? 100 रुपए किलो दाल मिल रही है तो बताइए, जनता में जाके पूछो ना 100 रुपए किलो दाल है कि नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। फिरोजाबाद की जनता को नेता 5 साल तक चूड़ियां पहनाते रहे, अब जनता को तय करना है कि किस किस पार्टियों को वो चूड़ियां पहनाकर घर पर बैठाएगी और किसको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएगी। फिलहाल इस किस्सा का कुर्सी में इतना ही, आगे भी ये सिलसिला हमारा लगातार चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा सीट पर। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन पार्टियों के समर्थक और इस क्षेत्र की जनता के रूप में तमाम लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जसराना को वो मिला जिसके वो हकदार थे, या फिर जो वादे पूरे किए वो यहां पर कितने पूरे हुए। विधायक भी आपके यहां से हैं और सरकार भी आपकी है, ऐसे 5 काम जो इन 5 सालों में इस क्षेत्र की जनता को मिले। जो सबसे बड़ा काम हमारी समाजवादी सरकार ने जसराना के लिए किया वो जेड़ा जाल नहर परियोजना है, जिसके जरिए 4 बड़े माइनर जिनसे कई 1,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, किसानों को जिसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। क्या वो पूरी होगी परियोजना? नहीं, पूरा होने के कगार पर है, 10-5% रह गए। आपसे कहा कि जो काम पूरे हो चुके हैं वो 5 काम है, अगले महीने शुरू होने जा रहा है, पूरा होगा। 1-1.5 फीट गहरे गड्ढे हुआ करते थे, हमारी सरकार ने शानदार स्टेट हाईवे बना के दिया है। जो सड़कें पिछली साल बनी थी सन 2015 में, वो सारी सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये आज कहीं पूरे जसराना तहसील में नजर नहीं आती। जेड़ा झाल की परियोजना के लिए जिन पर विश्वास किया गया, जिन पर जबरन बैनामा कराए गए, आज भी किसान आत्मंत में बैठ करके धरना दे रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला। यहाँ इतना बेरोजगार है, आप देख लीजिए, एक भी उद्योग नहीं बना, यहाँ सिंगल उद्योग नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी इतना है कि आप बैंक से अपना कैश घर तक नहीं ले जा सकते। विधायक सुनते ही नहीं है, तो गरीबों की सुनते ही नहीं है। वादे इनके पूरे जरूर होते हैं, लेकिन इनके दलालों के लिए पूरे होते हैं, मतलब बाकी जनता के लिए तो कुछ भी पूरा नहीं होता। कुछ काम नहीं है, फिर दलालों से ही काम होता रहता है, और एक एक किसान 3-3 महीना घूमता है, तहसीलों में घूमे, वैसे घूमे, आज हो रहा है, कल हो रहा है, कोई काम। हमारे तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है नंगला पूंछरी। विकास का उदाहरण आप देखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं,
कि आप मोटरसाइकिल लेकर के उस गांव में नहीं पहुंच सकते जो कि जसराना तहसील मुख्यालय विधानसभा मुख्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दो दिन आप यहां रुक के देख लिए, आप जो मच्छर खा के आप भी भाग जाएंगे यहां से। यहां ऐसा है, यहां तमाम व्यापारी भाई मौजूद हैं, पूछ लीजिए 5 साल की सरकार में एक सिंगल किसी से चौथ वसूली हुई हो। पूछ लीजिए जसराना कस्बे में किसी व्यापारी की और किसी कमजोर आदमी की जमीन को घेरा गया हो किसी समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा, एक उदाहरण कोई बता दे। चुनाव दिखा दो, सड़कें बनवाई जा रही है और रही बात भ्रष्टाचारी, आप चलिए तहसील में, पूरे प्रदेश में तय 15 रुपए में फर्द कतौनी मिलनी चाहिए, जसराना में खुलेआम 20 रुपए मिलती है। अपनी जनता बैठी, कोई बता दे किसी ने कोई 15 रुपए में फर्द ली हो। सर मेरा जो फरियार रोड है ना वो पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, वो तो इतने गड्ढे हैं कि निकलना ही मुश्किल हो रहा है और ताला बन जाती है, बारिश होती है तब ताला बन जाते हैं। मेरा लाइट हो गई है। समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी करके भैका जो साम्राज्य स्थापित कर दिया है, हमने कैद तय कर रखा है। बहन जी ने बार बार कहा है कि गुंडों की जगह या तो शिक्षकों के अंदर होगी या प्रदेश के बाहर होगी। क्या जनता तय करेगी ये तो जनता ही जाने, वो जो इलेक्शन होगा उसमें वो अपने वोट की चोट पर वो तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने। फिलहाल किस्सा कुर्सी का मैं इतना ही, आगे भी सिलसिला हमारा चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का लेकर हम पहुंच गए हैं फिरोजाबाद की शिकवाबाद विधानसभा सीट पर। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या शिकवाबाद क्षेत्र में वादे जो किए गए थे वो यहां पर पूरे हुए। विधायक भी आपके हैं, सरकार भी आपकी, तो कितना विकास काम यहां पर हुआ है? नहीं, समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से फिरोजाबाद और फिरोजाबाद जिले के शिकवाबाद विधानसभा में बहुत अधिक विकास कार्य हुए हैं, लगातार काम चल रहा है और सड़कें बन रही हैं। बिल्कुल सच्चाई नहीं है, सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं। शिकवाबाद विधानसभा में बहुत बुरा हाल है, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, यहाँ अस्पताल हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर ये पोजीशन है, सड़कों पर अगर आधा घंटा पानी बरस जाए तो पूरा शहर हमारा जलमग्न हो जाता है। देहात क्षेत्रीय व्यवस्था बहुत खराब है। विकास यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। सड़कें आप लगा हुआ देखो, कई आप क्षेत्र में जाकर देखो सब सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। लाइट तो दिन को रात को कटती रहती है, वो रात तो ज्यादा 10-12 घंटा। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स समय से नहीं बैठते हैं, जिस पे हालांकि करवी डीएम साहब ने और बीच बीच में जांचें होती रहीं लेकिन सही टाइम से डॉक्टर नहीं आते। शिकवाबाद की सबसे बड़ी समस्या ये है, नहर के पुल पे दिन में दो दो तीन तीन बार जाम लगता है, पब्लिक घंटों खड़ी रहती है और इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं कतई। बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है, अभी नहर पे जाम लगने लगा है, वहां पे एक पुल का भी काम चल रहा है आगे रेलवे स्टेशन के लिए, वो धीरे धीरे वो जाम खत्म हो जाएगा। मैं बड़े बाजार की बात कर रहा हूँ, जो ये शिकवाबाद का मेन चेस्ट है, हृदय है। बड़े बाजार से लेकर यहाँ तक आने में स्टेट बैंक चौराहे, काली देवी मंदिर से स्टेट बैंक चौराहे तक प्रथम बरसात में ये सड़क टूट के खब गई, पिस गई, लुट गई, उड़ गई, पता नहीं है साहब। गुंडागर्दी बहुत है इस प्रशासन में। अच्छा, जम के गुंडे तो धरती फाड़ के निकलते सपा शासन में। विकास तो हुआ है इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पार्टी वर्कर जो प्रदेश सरकार है वो उस सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा बोलते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लोग मिले हुए हैं, हथियार ये भी पीट रहे हैं, ये गाय के नाम पे पीट रहे हैं, ये लोग सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। शिक्षा का इतना बुरा हाल है, मैं मोहल्ला गड़ैया से हूँ, वहाँ पर 4-5 प्राइमरी विद्यालय चलते हैं, सारी मैडमें बैठी रहती हैं, सारे बच्चे इधर उधर झाड़ू लगाते रहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा विकास किया है, विकास करती आई है, परंतु जनता ने विकास नहीं होने दिया 27 सालों। हाँ, यूपी में कांग्रेस सरकार नहीं रही है, 27 सालों से कांग्रेस सरकार यूपी में नहीं रही है, यूपी में कोई भी काम नहीं हुआ है। और इस किस्सा का कुर्सी में इतना ही, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी चलता रहेगा और ये सिलसिला भी हमारा चलता रहेगा।